हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर। आज की अपनी पोस्ट है एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल एग्जामिनेशन 2024। अब देखते हैं इसकी एग्जाम डेट क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस क्या है और पोस्ट कितनी है। इसमें लगभग पोस्ट रहेगी 17,727 पोस्ट रहेगी, मतलब कि 17,727 पोस्ट इसमें रखी गई है। इसकी जो अपडेटेड बात आई वो 8 अगस्त 2024 को अपडेट आया है। इसमें सुबह सॉरी रात को 9:35 पर इसमें अपडेट आया था। एसएससी की बात करें तो अपना जो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है इसने 8 अगस्त को, दोस्त कैंडिडेट हु आर जो भी इंटरेस्टेड है इन दिस एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल रिक्वायरमेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म डेट 24 जून से लेकर 27 अगस्त तक इसके फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें एक नोटिफिकेशन इसका आया है कि अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है, आप उसे एडिट करवाना चाहते हैं तो उसकी डेट आई है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें नोटिफिकेशन में रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, इसमें पे स्केल क्या रहता है और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स लेवल कौन सा है, सीजीएल, और सीजीएल में भी कौन सा वाला है जो ग्रेजुएशन लेवल होता है, ठीक है ना। वैसे भी सीजीएल होती है वो ग्रेजुएशन लेवल के लिए होती है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। एप्लीकेशन शुरू हुआ था 24/6/2024 को और इसकी लास्ट डेट की अप्लाइंग थी वो थी 27 अगस्त 2024 थी, लेकिन सॉरी 27 जुलाई। लेकिन अब जो आया है इसका नया अपडेट आया है कि अगर फॉर्म में मिस्टेक है कुछ है तो उसकी डेट आई है, ठीक है। ऑनलाइन फीस इसमें हुआ था 28 जुलाई 2024 को और करेक्शन की डेट आई है इसमें 10 अगस्त 2024, मतलब कि कल ही इसकी डेट आई है। और एग्ज़ाम डेट टीयर फर्स्ट की जो एग्ज़ाम होगी वो कब होगी, 26/9, मतलब कि 26 सितंबर 2024 को। और एडमिट कार्ड अवेलेबल, इसमें जो एग्ज़ाम से पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और टीयर सेकंड की जो एग्ज़ाम रहेगी वो कब रहेगी, दिसंबर 2024 को। इसमें बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जनरल और ओबीसी की फ़ीस रहेगी 100 रुपये, एसटी जो पीएच है उसकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, और ऑल कैटेगरी फीमेल किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल उसमें कोई फ़ीस नहीं रहेगी, ठीक है। और करेक्शन फ़ीस अगर फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हो तो 200 रुपये, और सेकंड टाइम करेक्शन कर रहे हो तो आप 500 रुपये पे। था एग्जामिनेशन फ़ीस थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप इसमें पैसे कटवा सकते हो। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल नोटिफिकेशन 2024। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2024 तक आपकी एज लिमिट लगभग मिनिमम तो 18 साल है, लेकिन मैक्सिमम जो एज है वो 27 से 32 ईयर्स है। इसमें पोस्ट वाइज एज लिमिट रखी गई है। आपको इसमें अलग से एज सिलेक्शन दिया गया है, ठीक है। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल 2024 में जो टोटल पोस्ट है वो है 17,727 पोस्ट। इसमें जो पोस्ट रहेगी वो ये रहेगी, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और ऑल अदर पोस्ट जो बैचलर डिग्री के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। और एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 में डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट डिटेल जो लेवल है उसमें इसमें क्या रहेगा कि जो आपकी जो 142,400 टोटल पोस्ट रखी गई है। इसमें देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट है, इसकी एज लिमिट लगभग 20 से 23 साल है, और उसमें भी अलग अलग पोस्ट रख रखी, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दे रखा है, AFHQ दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंशिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर बहुत सारी लगभग मान लो आप इंस्पेक्टर पोस्ट, सब इंस्पेक्टर एसआई तक की पोस्ट इसमें, ठीक है। इसमें इस प्रकार बहुत सारी पोस्ट रखी है आपकी एज रिलेक्शन के अनुसार। अगर आप अगर चाहते हो कि आप मुझे 18 से 30 का हूँ और मुझे इस पोस्ट के अप्लाई करना है तो आप इस पोस्ट के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब एसएससी सीजीएल पे लेवल की बात करें, इसमें जो पे लेवल रहता है 6,35,000 से लेकर 1,12,400 तक का इसका पे लेवल रहता है। इसमें आगे देख सकते हो किसके अकॉर्डिंग डिवीज़न दे रखा है, जेएसओ वगैरह। अब देखते हैं एससीसी सीजीएल पे लेवल, मतलब पोस्ट ग्रेडिंग अकॉर्डिंग आपको पे लेवल दे रखा है, मतलब सारे पोस्टों में आपको पे लेवल दे रखा है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सीजीएल में किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भरना है तो आप आराम से, अगर आपने फॉर्म भरा हो और आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी हो तो आपको डेट आ चुकी है, इसकी डेट लगभग है 10 अगस्त 2024, मतलब कि कल। तो आप चाहते हो कि मुझे फॉर्म
मैं अपने करेक्शन करना है, तो इसकी जो फर्स्ट टाइम फीस लगेगी वो तो 200 रुपये लगेगी, लेकिन सेकंड टाइम जो फीस रहेगी इसकी लगभग 500 रुपये फीस रहेगी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम में अच्छे से करेक्शन कर लें जिससे कि आपको नुकसान ना हो सेकंड टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।